हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे क्लासेस। आई एम योर फ्रेंड रिम्पी गोयल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिजनेस फाइनेंस, जो आपकी यूनिट है कॉमर्स सेकंड पेपर में, उसी का ही आज हमने एक टॉपिक लिया है एसेट सिक्योरिटाइजेशन। मैंने हाफ सिलेबस कंप्लीट करा दिया है बिजनेस फाइनेंस का, अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल पर मेरी डेली क्विजेज होती हैं, जैसे आज मैंने एसेट सिक्योरिटाइजेशन का टॉपिक कराया, तो आज ही इसके ऊपर क्विज भी होगी, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और आप कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाए एंड साइमटेनियसली आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सके, जिससे आपको पता लगे आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड कहाँ पे लूप होल है, कहाँ पे हमें उस लूप होल को कवर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी एंड वहाँ पर आपको जो आज मैं आपको लेसन कराऊंगी उसकी PDF भी मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, पूरा कॉन्सेप्ट आपका इसी दो वर्ड में समाया हुआ है। ठीक है, देखिए, जो एसेट सिक्योरिटाइजेशन है ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, बट अक्सर स्टूडेंट्स इसको कॉम्प्लिकेट समझते हैं। तो एसेट सिक्योरिटाइजेशन है क्या, ये पूरा कॉन्सेप्ट इस दो वर्ड के अंदर है। अगर आपने इन दो वर्ड्स को कैच कर लिया, समझ लिया, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम आगे स्लाइड पर फर्दर मूव करेंगे, पहले हम इन दो वर्ड को ही समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, कंपनी के पास दो तरह की एसेट्स होती है, करंट एसेट, ये जिसको आप लिक्विड एसेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, नो, करंट एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, बिकॉज करंट एसेट्स में कुछ ऐसी एसेट्स होती है जिसको आप इमीडिएट कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, सो करंट एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, आप देखिए, दो तरह की एसेट होती है, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। ठीक है, नॉन करंट एसेट को आप फिक्स्ड एसेट कह सकते हैं, इल लिक्विड एसेट्स कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लिक्विड, अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले दो टर्म्स क्लियर करनी है कि लिक्विड एसेट्स और इल लिक्विड एसेट्स क्या होती है। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर, यानी विद इन 24 आवर, या फिर बहुत ही कम पीरियड में आप अपनी एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर पाए, उसे हम कहते हैं लिक्विड एसेट्स। लेकिन इन लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको आप कैश में इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं कर सकते या शॉर्ट नोटिस पर कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि रियल एस्टेट में आप लगा लीजिए, ठीक है, वहाँ पर आप इमीडिएट आप प्रॉपर्टी को सेल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एंड इसी तरीके से आपकी फिक्स्ड एसेट्स जो होती है, वे सारी आपकी इन लिक्विड एसेट्स होती है। देखिए, मैं बोल रही हूँ इन लिक्विड। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ कि वट इज़ लिक्विड एसेट्स एंड वट इज़ इन लिक्विड एसेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, सिक्योरिटाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपकी इन लिक्विड एसेट्स है उसको आपने सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करा दिया, उसी प्रोसेस को एसेट सिक्योरिटाइजेशन कहा जाता है। ओके, आई होप क्लियर हो गया पॉइंट। मैं वापस रिपीट करती हूँ, एसेट सिक्योरिटाइजेशन का मतलब होता है जब आप अपनी इलिक्विड एसेट्स को या फिक्स्ड एसेट्स को लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, थ्रू सिक्योरिटीज़, उसको हम कहते हैं एसेट सिक्योरिटाइजेशन। एंड ये जो काम होता है सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करने का, ये SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल करता है। ओके, हम आके डिस्कस करेंगे, कुछ टर्म्स होती है इसके अंदर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ पर बेसिक बातें पता लग गई। अब हम आगे मूव करेंगे। कंपनी फ्रेंड्स तीन तरह के डिसीजंस लेती है, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजंस वो डिसीजंस होते हैं जिसमें कंपनी ये डिसाइड करती है कि हमें फाइनेंस को किस किस सोर्सेज से रेज करना है, लॉन्ग टर्म सोर्स से कितना फाइनेंस लेना है, ठीक है, मीडियम टर्म से लेना है, फिर सोर्स शॉर्ट टर्म सोर्स से लेना है। तो कंपनी यहाँ पर यही डिसाइड करती है कि हमें फाइनेंस को किन किन सोर्सेज के थ्रू रेज करना है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका फैक्टरिंग होता है, शेयर वॉरेंट्स होते हैं, एंड उसी का ही एक पार्ट है एसेट सिक्योरिटाइजेशन। यानी एसेट सिक्योरिटाइजेशन भी एक सोर्स है जिससे कंपनी फाइनेंस को रेज करती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका आंसर मुझे आपको कमेंट में करना है। नेक्स्ट जब मैं वीडियो लाऊंगी, मैं उसमें आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी। क्वेश्चन है, अगर आपका कमेंट आया तो ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर प्रोवाइड करूंगी, कि मुझे भी पता चले कि हाँ, आपने कोशिश करी है, आपने एफर्ट्स किए इसका आंसर देने में। ठीक है, तभी आपको मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। तो इसका क्वेश्चन ये है, आपको अब ये पता लगाना है कि एसेट सिक्योरिटाइजेशन कौन सा सोर्स है फाइनेंस का। ठीक है, क्या वे लॉन्ग टर्म में आता है, मीडियम टर्म में आता है, शॉर्ट टर्म में आता है।
इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कंपनी यही डिसाइड करती है कि हमें कितना करंट एसेट में इन्वेस्ट करना है, कितना नॉन करंट एसेट में इन्वेस्ट करना है। एंड डिविडेंड डिसीजन में कंपनी का मेन डिसीजन होता है कि क्या हमें जो हमारे पास नेट प्रॉफिट्स है, क्या हमें भी सारे के सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए एज ए डिविडेंड, या हमें उसका कुछ पोर्शन अपने पास रिटेन करके रखना चाहिए। जब डिसीजन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो तो वो हमारे डिविडेंड डिसीजन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे एसेट सिक्योरिटाइजेशन की। एसेट सिक्योरिटाइजेशन का सिंपल मतलब होता है जब लिक्विड या फिक्स्ड एसेट्स को आप लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय इशिंग सिक्योरिटीज़, वो आपका होता है एसेट सिक्योरिटाइजेशन। एस सिक्योरिटाइजेशन के अंदर सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है, ना कि एसेट्स की। ओके, किसकी ट्रेडिंग होती है? सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, सिक्योरिटाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेब्ट्स, ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया एसेट्स हो गई आपकी, ठीक है। आपने उसको यहाँ पर फ्रेंड्स इलिक्विड एसेट्स आएगा, इलिक्विड नहीं है यहाँ पर, इलिक्विड है, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब होता है एक पूरा प्रोसेस जिसमें आप अपने डेब्ट्स या अपने इलिक्विड एसेट्स को कन्वर्ट करते हैं सिक्योरिटीज़ में, और उसी को ही हम कहते हैं एसेट सिक्योरिटाइजेशन। जब आपने अपनी इलिक्विड एसेट्स को सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट किया, उसी सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है, उन्हीं उसी को ही खरीदा या बेचा जाता है फाइनेंशियल मार्केट्स में, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट आपकी प्राइमरी मार्केट होगी, सेकेंडरी मार्केट होगी, राइट। इफ़ यू नोटिस द फर्स्ट लाइन कॉल्स डेब्ट एज एन एसेट। अब यहाँ पे आपने देखा कि हमने बात करी है, हम स्टार्टिंग से यही बात कर रहे हैं कि एसेट्स को कन्वर्ट किया जाता है सिक्योरिटीज़ में, लेकिन हमने यहाँ पर कहा है डेब्ट्स को कन्वर्ट किया जाता है। आपने नोटिस किया पॉइंट ये? देखिए, यहाँ पर डेब्ट इसलिए लिखा गया है कि जब आप सिक्योरिटीज़ को कन्वर्ट करेंगे अपनी एसेट में, वो आपके लिए तो एसेट है, यानी जो लेंडर है, जो दे रहा है उधार पर, उसके लिए तो एसेट है, लेकिन जो बरोवर है उसके लिए वो एसेट क्या है? डेब्ट है। उसके लिए क्या है? वो लाइबिलिटी है। ओके, वन कैन ट्रेड सिक्योरिटीज़ सिमिलर टू स्टॉक्स, बॉन्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर यही बात की गई है कि सिक्योरिटाइजेशन से जब एसेट्स को सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट किया जाता है तो उन सिक्योरिटीज़ की ही ट्रेडिंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए मैं ये अपनी ही बात करती हूँ, मेरे पास मान लीजिए एक एसेट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ को लोन दिया है, ठीक है फ्रेंड्स, मेरे लिए वो एसेट है, क्योंकि जिन जिन पार्टीज़ को मैंने लोन दिया वो मेरे लिए डेटर बन गए, क्योंकि मुझे उनसे पैसा लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जब मैंने उनको सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट किया तो वो मेरे लिए एसेट रहेंगे, लेकिन जो बोरोवर्स हैं, जिन्होंने पैसा उधार पर लिया, उनके लिए वे लाइबिलिटी है, इसलिए यहाँ पर डेब्ट मेंशन है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी बैंक का। मान लीजिए ये बैंक है, बैंकिंग, हम बैंकिंग बिजनेस की बात करेंगे, ठीक है। अब बैंकिंग का काम क्या होता है कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, और उसको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आगे नीडी पार्टीज को लोन प्रोवाइड करना, समझ रहे हो बात मेरी? यानी बैंक एक हाथ से पैसा लेती है पब्लिक से, ठीक है, और कम रेट देती है डिपॉजिट पर, एंड जिन जिन पार्टीज़ को नीड है पैसे की या मनी की, उनको वो लोन पर दे देती है बैंक पब्लिक को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। जो मार्जिन होता है डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट का और जो लोन का जो इंटरेस्ट होता है जो बैंक चार्ज करती है, वे अलग होता है, और वहीं से ही बैंक प्रॉफिट्स को अर्न करती है, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात ये आती है, फॉर एग्जांपल बैंक ने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, ठीक है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, बैंक के लिए वो डिपॉजिट क्या है? लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक को भी आगे पब्लिक को चुकाना है वापस उनका डिपॉजिट। एंड जब बैंक ने उस लाइबिलिटी, उस डिपॉजिट का यूज़ करके आगे लोन्स प्रोवाइड किया, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल लोन, होम लोन, काफ़ी तरह के लोन होते हैं, वो लोन आगे प्रोवाइड किया, वो बैंक के लिए एसेट है, बिकॉज बैंक को वो पैसा लोगों से वापस मिलेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी, जब बैंक अपनी एसेट्स को सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कराना चाहेगी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, उस केस में वे जो सिक्योरिटीज़ को जब कन्वर्ट कराएगी बैंक SPV के थ्रू, वो जो सिक्योरिटीज़ है वो बैंक के लिए एसेट्स है लेकिन पब्लिक के लिए डेब्ट है। मैंने यहाँ पर यही पॉइंट आपको क्लियर कराया है। अगर हम एक सिंपल वर्ड्स में बात करें, सिक्योरिटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें फाइनेंशियल कंपनी जो होती है वे सारी एसेट्स को कंबाइन कर लेती है, पूल बना लेती है और उनको सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर देती है। फिर वही फाइनेंशियल कंपनीज़ उन सिक्योरिटीज़ को आगे इन्वेस्टर्स को इशू करेगी एंड इंटरेस्ट को अर्न करेगी। ठीक है, अभी देखिए प्रोसेस है पूरा। सिक्योरिटाइजेशन क्या है? ये प्रोसेस है एसेट्स को कन्वर्ट करने का सिक्योरिटीज़ में, जो आगे फर्दर फाइनेंशियल मार्केट्स में खरीदा या बेचा जाता है। सबसे पहले जो बैंक्स होंगे, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, वे मनी कलेक्ट करेंगे, एक पूल बनाएंगे, फिर उन पूल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे सिक्योरिटीज़ की टर्म में। ठीक है, जो सिक्योरिटीज़ को खरीदेंगे, ठीक है, वे क्या सिक्योरिटीज़ को खरीदने पर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया ना अपना, ठीक है, एंड उन्हीं सिक्योरिटीज़ को क्या कहा गया है, मोर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ कहा गया है। ये लिक्विडिटी को बूस्ट करता है, कंपनी की हेल्प करता है फंड्स को इमीडिएट रेज करने में। जो पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो में अलग अलग सिक्योरिटीज़ होती है, हर एक सिक्योरिटीज़ का रिस्क और रिटर्न अलग होता है। और जब कंपनी पोर्टफोलियोज़ प्रिपेयर करती है तो पोर्टफोलियो इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि जो कॉम्बिनेशन है सिक्योरिटीज़ का वे ऐसा हो कि कंपनी का रिस्क कम से कम हो, रिटर्न मैक्सिमम हो। ठीक है, और क्वालिटी रिटर्न्स पर फोकस होता है। लिमिटेशंस क्या होती है इसकी, कि ये जो लेंडर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है ये। ठीक है, क्योंकि हम हर एक सिक्योरिटीज़ का रिस्क फैक्टर एसेस नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, अब ये पूरा प्रोसेस कराने से पहले मैं आपको एक, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, वही एग्जांपल मैं कंटिन्यू करूँगी कि बैंक ने बहुत सारा अमाउंट लोन पर दिया लोगों को, होम लोन्स प्रोवाइड किए बैंक ने। फॉर एग्जांपल बैंक ने 30 लाख का लोन्स, यानी फॉर एग्जांपल 30 लाख का लोन टोटल दिया हुआ है, हम ये एक फिगर एज्यूम करके चलते हैं। बैंक ने 30 लाख का लोन दिया हुआ है 30,000 कस्टमर्स को, ये हम एक एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, जो 30,000 कस्टमर्स है ये बोरोअर है और बैंक ने इन्हें 30 लाख का लोन प्रोवाइड किया हुआ है कंबाइंड, ये हमने एक अमाउंट अज्यूम कर लिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अब बैंक को पैसा तो चाहिए। अगर मान लीजिए बैंक जो मनी है वे एक लिमिटेड रिसोर्स है, अब बैंक ने सारा का सारा पैसा लोन पे प्रोवाइड कर दिया, अब अगर बैंक किसी थर्ड पार्टी को लोन देना चाहेगी तो बैंक के पास कैश होना चाहिए और बैंक को कैश की रिक्वायरमेंट है। अब जो 30 लाख का लोन है ये आफ्टर टेन ईयर्स कंपनी को मिल, यानी बैंक के पास वापस आएगा, यानी इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वे आफ्टर 10 ईयर्स बैंक के पास आएगा, यानी पब्लिक रिपे करेगी, यानी बहुत लॉन्ग पीरियड की बात होगी, इलिक्विड एसेट होगी बैंक के लिए, जिसको हम इमीडिएट कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनेगा क्वेश्चन, ये मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ आपको। तो बैंक को अब पैसे की अभी रिक्वायरमेंट है इमीडिएट, ठीक है, लेकिन बैंक अभी इस इलिक्विड एसेट जो 30 लाख की है बैंक की, क्योंकि अगर बैंक किसी को लोन देती है तो वे बैंक के लिए एसेट होती है, आप ये चीज़ मान के चलिए माइंड में। अगर बैंक, अगर आप कोई बैंकिंग का बिजनेस करते हैं और आप अगर किसी को लोन दे रहे हैं तो वे आपके लिए एसेट है, समझ रहे हैं, वे लाइबिलिटी नहीं है, वे आपके लिए एसेट है, तो वे आपकी इलिक्विड एसेट है। क्यों है इलिक्विड? बिकॉज उसका रिपेमेंट आपको 10 ईयर्स के बाद होगा, समझ रहे हैं बात मेरी। तो अब बैंक को पेमेंट तो अभी चाहिए, तो बैंक क्या करेगी, बैंक ने जब लोगों को पैसा दिया होगा तो बैंक ने कुछ सिक्योरिटीज़ अपने पास गिरवी, मतलब लोगों ने कुछ चीज़ अपने बैंक के पास मोर्टगेज रखी होगी, प्लेज, मतलब एक कोई एसेट्स एज अ गिरवी रखी होगी बैंक के पास, समझ रहे हो बात मेरी, तभी बैंक ने पैसा दिया पब्लिक को। अब ऐसे तो है नहीं कि विदाउट सिक्योरिटी पैसा दे दिया। तो जो भी बैंक के पास पेपर थे उन एसेट्स को लेकर, जो पब्लिक ने मोर्टगेज कराई थी बैंक के पास से, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको बैंक ने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कंबाइन किया, उनको एक पूल बनाया और उसको हैंडओवर कर दिया। ठीक है, हैंडओवर किसको कर दिया? एसपीवी को कर दिया, एसपीवी यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक सिक्योरिटीज़ के किसमें कन्वर्ट कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब एसपीवी ने जब उसको सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट किया और उसको आगे फर्दर इशू कर दिया मार्केट में, तो एसपीवी क्या करेगी, इमीडिएट शॉर्ट नोटिस पर बैंक को ये पैसा प्रोवाइड कर देगी। जो बैंक को पैसा 10 साल के बाद मिलना था, बैंक को वे पैसा अभी इसी वक्त मिल गया, इमीडिएट मिल गया बैंक को, किसकी वजह से, एसेट सिक्योरिटाइजेशन की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब एसपीवी बैंक को पैसा देगा, ठीक है, तो बैंक को वो पैसा डिस्काउंटेड वैल्यू पर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जब
एसपीवी हैंड ओवर करेगा वो सारा पैसा बैंक को, तो वो जो पैसा दिया जाएगा बैंक को वो डिस्काउंटेड वैल्यू पे दिया जाएगा, ठीक है, ना कि एक्चुअल वैल्यू पे, क्योंकि जो डिफरेंस होगा एक्चुअल और डिस्काउंटेड वैल्यू का जो मार्जिन होगा वही तो अर्न करेगा एसपीवी, ठीक है। सो आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया। अब हम ये वाला प्रोसेस करते हैं। ये मान लीजिए बैंकिंग का बिजनेस है, ये बरोवर है, ठीक है। आपने अप्रोच किया बैंक को कि हमें लोन चाहिए, ठीक है, बैंक ने आपको लोन प्रोवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पर बैंक ने किसका काम किया, ओरिजिनेटर का काम किया, यानी वे बैंक की अपनी एसेट है, वे बैंक का ओनर, उस एसेट का ओनर है वे। तभी बैंक ने वे लोन प्रोवाइड किया आगे कस्टमर्स को, जो कि बैंक के क्या बन गए, बरोवर बन गए। अब वही बात आ गई, अब बैंक को 30 लाख का अमाउंट अभी चाहिए, लेकिन वह तो 10 साल के बाद मिलेगा बैंक को, तो बैंक के लिए वो कौन सी एसेट है, इलिक्विड एसेट है। अब बैंक को अगर पैसा अभी चाहिए उसकी नीड को पूरा करने के लिए, अपनी अपनी कैश की नीड को पूरा करने के लिए बैंक ने वे इलिक्विड एसेट्स स्पेशल पर्पस व्हीकल को सेल कर दी, ठीक है। अब ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करेंगे, उस इलिक्विड एसेट की पेमेंट करेंगे किसको, फाइनेंस यानी उस बैंक को पे करेंगे, कौन सी वैल्यू पर, डिस्काउंटेड वैल्यू पर पे करेंगे। यहाँ पर पूलिंग फंक्शन का काम हुआ है, जो सेकंड स्टेप आता है हमारा, उसमें हमारा कौन सा फंक्शन हो रहा है, पूलिंग फंक्शन हो रहा है, क्योंकि इस बैंक ने सारे के सारे जो पेपर्स थे उनको पूल किया, कंबाइन किया और उसको हैंड ओवर कर दिया, सेल कर दिया, किसको, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल को सेल कर दिया, ठीक है। अब ये स्पेशल पर्पज़ व्हीकल डायरेक्ट तो सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते इन्वेस्टर को, तो यहाँ पर मर्केंट बैंक आ गया, मर्चेंट बैंक का रोल आ गया, ठीक है। मर्चेंट बैंक को स्पेशल पर्पज़ व्हीकल ने वे जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, सर्टिफिकेट्स थे, वे मर्चेंट बैंक को इशू कर दिए, ठीक है। एंड मर्चेंट बैंक ने भी फर्दर आगे किसको इशू कर दिए, इन्वेस्टर्स को इशू कर दिए। इसी प्रोसेस को क्या कहा गया है, सिक्योरिटाइजेशन कहा गया है। देखिए अब यहाँ पर सेम बात जो मैंने आपको भी एग्जाम्पल में कराया है, इतना सारा ये सारा यहाँ पर यही बात की गई है कि लिक्विडिटी को रिकवर करने के लिए जो बैंक है वे सारे डॉक्यूमेंट्स को पूल करेगा, अपना जो जो उसको फ्यूचर में मिलने वाले थे कैश फ्लोज बैंक को, उसको रिसीव करने का राइट वे किसको सेल कर दिया, एसपीवी को सेल कर दिया। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सिक्योरिटाइजेशन कहा जाता है। इसमें तीन पार्टीज होती है, ओरिजिनेटर, स्पेशली पर्पज़ व्हीकल, इन्वेस्टर। ओरिजिनेटर होता है जो एसेट का ओनर होता है, ठीक है, जो एसेट्स को सिक्योरिटाइज करता है, ठीक है, जिसको हम इनिशिएटर भी कहते हैं। ये सारी की सारी अपनी एसेट्स सेल करता है, अपना जो राइट है उसको आगे ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। स्पेशल पर्पस व्हीकल नाम से ही क्लियर है, यानी स्पेशल एक ऐसा व्हीकल जो सिर्फ एक स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है, ठीक है। स्पेशल पर्पस व्हीकल कोई इंटरमीडिएरी हो सकता है, एक मेडिएटर का काम करता है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, एक ही मेडिएटर का काम करता है। स्पेशल पर्पस व्हीकल ही वो होता है जिसको सारी एसेट सेल की जाती है। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल कोई ट्रस्ट भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। एंड ये सिर्फ सिक्योरिटाइजेशन का ही काम करती है, यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल का सिर्फ सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना ही काम होता है, दैट्स इट। विच सारे जो पूरा जो 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 पूरा अमाउंट, ये जो पूरे जो एसेट्स, इलिक्विड एसेट सेल की थी स्पेशल पर्पस व्हीकल को, उसको वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देता है और उसको आगे फर्दर इन्वेस्टर को सेल कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट आता है हमारा इन्वेस्टर्स, जो उस सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाते हैं अपना, जो सिक्योरिटीज़ को ख़रीदते हैं, ठीक है, और इंटरेस्ट अर्न करते हैं। इन्वेस्टर्स कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत कॉम्प्लेक्स और लेंथी प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। ये सिर्फ फंड्स को रेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कैपिटल ब्लॉक हो जाती है किसी भी कंपनी की काफ़ी लंबे समय से, उस ब्लॉक कैपिटल को वे अनब्लॉक कर देता है सिक्योरिटाइजेशन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ तो लाइक ज़रूर दीजिएगा वीडियो को, ऐसे ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे, हमारा हर टॉपिक कंप्लीट करेंगे पूरी यूनिट। सो फ्रेंड्स, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।